तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आप लोग मुझे मनाने आए हो तो मैं कह देती हूँ मैं नहीं मानने वाली हूँ। अंजलि भाभी प्लीज मुझे मत मनाइए। बोला गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति बापा मोरिया रे मोरिया रे 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 बापा इससे ढोल बजाते हुए हमारी सोसाइटी में गोल आ रहा है। हाँ मैं चल बगू यार। हाँ हाँ चल चल। बेटा ये क्या है? मुझे क्या पता? सोसाइटी में दूसरे बापा आ रहे क्या? अरे डॉक्टर दादी ऐसे टेंपो में बंद करके थोड़ी बापा को लेकर आते हैं। शायद बारिश से बचने के लिए ऐसा किया हो। ओ यारो वो ऐसा भी तो हो सकता है वो किसी के घर का सामान आ रहा हो। अरे कैसी बात कर रहे हैं सोडी, घर का सामान कोई बैंड बाजे के साथ थोड़ी लाता है। हाँ, भी करेक्ट है। ओए पिड़ू, ओ तूने प्रोग्राम के लिए कोई सामान तो नहीं मंगाया? नहीं। मुझे लगता है ये गिफ्ट जेठा अंकल ने दादाजी के लिए भेजा है अमेरिका से। अरे नहीं भाई नहीं, जेठा ने कुछ नहीं भेजा है, उसे वहां ये सब सोचने का टाइम थोड़ी है। पोपटलाल कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़की वालों ने तुम्हारे रिश्ते का शगुन भेजा हो बैंड बाजा के साथ? अरे डॉक्टर आदि कैसा बात करता है, अरे शादी के रिश्ते का शगुन कोई ऐसा बैंड बाजे के साथ थोड़ी भेजते हैं। यार भाई हमें हमेशा लाइफ में सकारात्मक सोचना चाहिए। वो बराबर है भाई, ये चर्चा बंद करो ना, तू भी क्या खड़ा है, जाके सीधा टेम्पो वाले से पूछना कौन ये लोग। रुको। ओ भाई साहब, ये बैंड बाजे के साथ सामान लेके किसके घर पे आए हो? एड्रेस क्या है? अरे गोकुल धाम सोसाइटी यही है क्या? हाँ यही है। फिर तो हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। हाँ लेकिन ये इस पे क्या है? गिफ्ट है। देखा, ये मेरे लिए होगा। गिफ्ट किसके लिए, किसने भेजा? मुझे तो लगता है गोकुल धाम के बापा के लिए किसी ने इतनी बड़ी गिफ्ट भेजी है। ओए आजी हाँ, हमारे बापा के तो बहुत सारे फैन हैं। अरे नहीं नहीं, ये किसी तारक मेहता जी ने अंजलि मेहता जी के लिए भेजा है। मेहता सर ने भेजी है गिफ्ट? वाह वाह क्या बात है, इतनी बड़ी गिफ्ट पुत्री। ओ यारो, ओ मेहता साहब ने तो दिल खुश कर देता, वो कमाल कर देता। ओहो बरस कर सकेला है भाई। ये गिफ्ट देखकर अंजलि भाभी की नाराजगी दूर हो जाएगी। हाँ अंजलि भाभी खुश खुश हो जाएगी। जाओ 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 बच्चों, जल्दी से अंजलि बेटी को बुला कर लेके आओ। देखिए मैं अपनी सहेली के घर पर जा रही हूँ, मुझे रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना है। अंजलि आप लोग मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पर रुकूंगी तो मुझे तारक की और भी याद आएगी। देखिए मैं मानने वाली नहीं हूँ तो मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। अरे अंजलि आंटी हम लोग ये बोलने नहीं आए हैं, हम लोग ये बोलने आए हैं कि मेहता अंकल ने आपके लिए गिफ्ट भेजी है। गिफ्ट? गिफ्ट? हाँ गिफ्ट, वो भी बहुत बड़ी गिफ्ट।
आप जल्दी चल के देखिए ना, आपको पता चल जाएगा। हाँ अंजलि आंटी, आप जल्दी से बाहर चलिए और गिफ्ट ओपन कीजिए ना। चलिए चलिए अंजलि पापी। नहीं मुझे नहीं आना है। चलो ना अंजलि भाभी, क्यों ऐसा कर रहे हो? गिफ्ट तो देख लीजिए। मुझे कोई गिफ्ट नहीं देखना है। क्यों? आपको पता है तारक हमेशा ऐसा ही करते हैं। पहले मुझे गुस्सा दिलाते हैं, फिर अच्छी अच्छी कविताएं सुनाकर गिफ्ट्स भेजकर मुझे मना लेते हैं। लेकिन इस बार मैं उनकी एक नहीं मानने वाली, मुझे कोई गिफ्ट नहीं देखना है। अंजलि भाभी प्लीज ऐसा मत करिए। देखिए हमसे जब कोई प्यार करता है, हमारी चिंता करता है, तभी तो हमारे बारे में सोचता है। देखिए मेहता साहब ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, मतलब वो कितना प्यार करते हैं आपसे। और उन्होंने कुछ प्यार से भेजा है तो उसे ठुकराइए मत, कम से कम एक बार देख तो लीजिए क्या है। हाँ 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 अंजलि आंटी प्लीज जल्दी से चलिए और गिफ्ट ओपन कीजिए ना, मुझे भी जानना है कि मेहता अंकल ने आपके लिए क्या भेजा है। क्या पता कुछ खाने की चीज हो। बेबी अंजलि आंटी प्लीज चलिए ना, देखो अगर आप नहीं चलोगे ना तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। हाँ, मैं नहीं। बच्चों को नाराज करेंगे अंजलि भाभी आप। हाँ। प्लीज अंजलि भाभी चलो ना प्लीज। ठीक है चलो। आइए आइए अंजलि आंटी। आगे आगे आगे। इतनी बड़ी है यार। आगे अंजलि बेटा। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गिफ्ट। वो कहते हैं ना, जितना ज्यादा प्यार उतनी बड़ी गिफ्ट। देखा मेहता साहब भी आपको बहुत मिस करे, इसलिए तो उन्होंने गिफ्ट भेजा है। जॉयू रोशन, केटली मुट्टी गिफ्ट आ पीछे। हाँ आहो शिका, जरा शिका। देखा वो खुद नहीं आ पाए इसलिए गिफ्ट भेज दिया। लेकिन बबीता हम लोग तो यहीं पर है ना, फिर सामने सामने क्या है गिफ्ट देने का। हाँ करेक्ट जी। हाँ सही बात है। कोई सही बात नहीं है, गिफ्ट तो कभी भी दे सकते हैं। दे आर ऑलवेज वेलकम। मौका मेहता साहब की वजह से हम लपेटे में आ गए। अच्छा है। अच्छा क्या है? अरे बराबर है, चाहे कुछ भी हो वक्त वक्त पर पति को पत्नी को गिफ्ट देनी ही चाहिए। वो पेट्रोल लाल। क्या पेट्रोल लाल, तो कब से कांडी लगा रहे? वैसे समझ ही नहीं आ रहा है इतने बड़े बॉक्स में क्या गिफ्ट हो सकता है। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है मेहता अंकल ने बहुत बड़ा सा टेडी बेयर भेजा है। टेडी बेयर? नहीं 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 सोनू बड़ा, मुझे तो लगता है फ्रिज भेजा है, बड़ा सा डबल डोर। डबल डोर ही होगा, लेकिन फ्रिज नहीं अलमारी होगी। तो कम ऑन रोशन भाभी, डबल डोर फ्रिज ही होगा। अंजलि भाभी मेहता साहब को डाइट फूड खिलाती है ना, तो इतना बड़ा फ्रिज तो उनको काम में आएगा ही। फ्रिज ही होगा। मजा है तुमची। I don't know क्या होगा, पर समथिंग हटके या जाओ ना, जाके देखो ना क्या है। कार्ड? तू मेरी प्यारी धर्मपत्नी अंजलि मेहता। हाँ।
अंजलि भाभी पढ़ो ना क्या है इसमें। हाँ वाचो वाचो। ना ही मुझे उनका ये कार्ड पढ़ना है और ना ही मुझे उनकी ये गिफ्ट चाहिए। अरे अरे उन्हें क्या लगा कि वो ये गिफ्ट भेज के मुझे मना लेंगे? इतने दिनों से वो घर नहीं आया है, मैं उन्हें इतने बार फोन कर रही हूं, मेरा फोन नहीं उठाते और आज भी वो खुद नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है। भाई साहब ये गिफ्ट ले जाइए आप। अंजलि भाभी कहाँ जा रही हैं आप, रुकिए। अंजलि भाभी ऐसे गुस्सा मत होइए प्लीज। हाँ अंजलि भाभी अब कार्ड पढ़िए ना, हो सकता है आपके सवाल का जवाब उसी में लिखा हो। हाँ अंजलि भाभी चलो ना, छोड़ो ना अभी गुस्सा। हाँ प्लीज पढ़िए ना अब क्या है। दीजिए अंजलि आंटी पढ़िए पढ़िए पढ़िए। प्यारी अंजलि मेरी प्रियतमा। अरे कोई बात नहीं बेटा, पढ़ो पढ़ो। अंजलि दूर हूं तुमसे है दिल में गम, तुम्हारी यादों से बात करता हूं हो जाती है आंखें नम। हाय जोनी, इधर अंजलि भाभी दुखी है, उधर मेहता साहब दुखी है। इसी को तो सच्चा प्यार कहते हैं। अंजलि भाभी आगे पढ़िए ना। हाँ हाँ बुढ़े बादशाह। सबसे पहले तो सॉरी और थैंक यू, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और क्यों ना हो, गलती मेरी है, लेकिन मुझे नौकरी भी तो करनी है। मैं कुछ दिनों से काम में इतना व्यस्त हूँ कि तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हर क्षण तुम्हें याद जरूर करता हूँ। जब भी कोई तली हुई चीज मेरे सामने आती है तो तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई देती है। नहीं तारक, इस पकौड़े को हाथ मत लगाना, तुम्हें मेरी कसम। और मैं उस पकौड़े को टाटा बाय बाय कर देता हूं। मुझे पता है इस बात पे तुम्हें हंसी आई होगी। मैं बप्पा से हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि तुम सदा हंसती रहो। प्लीज अंजलि मेरी इस गिफ्ट को स्वीकार करके मुझे माफ कर दो। अंजलि बेटा देखा तुमने, मैं तो तुझसे कितना प्यार करता है, तू उसे माफ कर दे और उसकी भेंट का स्वीकार कर ले। जी चाचा जी। देखिए देखिए
बॉक्स तो पूरा खाली है। हाँ, इसमें तो कुछ भी नहीं है, एकदम खाली। क्या? माधवी पाई लगा गिफ्ट के नाम पे गैस के फुग्गे भेजे, वो भी उड़ गए। मजाक मजाक मजाक, हर बात पर मजाक। आप बताइए, माफ करूं उन्हें मैं? पत्नी के साथ मजाक? नहीं, गलत है, बहुत गलत। मेहता साहब, आज से आपका और मेरा दोस्ती का रिश्ता खत्म। अबे तू शांति रखना अभी, पत्रकार पेट्रोल। तारक, आप मुझे हमेशा परेशान करते। नहीं, लेकिन इस बार मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हाथ जोड़कर अब क्या मांगू बप्पा आपसे, बिन मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया है आपने। पुष्पांजलि करता हूं अर्पण चरणों में आपके, अर्धांगिनी मेरी बनाया है अंजलि को आपने, अंजलि को आपने, अंजलि को आपने। आपकी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति बापा के आगमन के साथ और गणपति बापा के आशीर्वाद के साथ नए तारक मेहता का भी आगमन हो चुका है। नए तारक मेहता हमारे अंजलि भाभी के तारक, हमारे गोकुलधाम वासियों के मेहता साहब, हमारे जेठालाल के फायर ब्रिगेड और बापूजी के मेहतूस। चंपक चाचा अक्सर उन्हें मेहतूस करके बुलाते हैं। वो तारक मेहता अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। अब दर्शकों को मेरी विनती है कि आप नए तारक मेहता को भी बहुत सारा प्यार दें और आपके परिवार का हिस्सा बनाएं। और गणपति बापा को मेरी प्रार्थना है कि गणपति बापा उनको खूब आशीर्वाद दे ताकि आप सभी को वो हंसियां और खुशियां बांट सके। तो आप सब मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मौज में रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।